जब आप जापिया का उपयोग कर रहे हो तो iOS डिवाइस से Android डिवाइस में फाइलों को स्थानांतरित करना आसान होता है। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि जापिया डाउनलोड किया गया है और दोनों उपकरणों पर खुला है। Android डिवाइस पर स्क्रीन के निचले भाग में स्थित स्थानांतरण आइकन पर क्लिक करें, फिर सहायता पर क्लिक करें और Apple डिवाइस से कनेक्ट करें चुनें। कनेक्शन बनाने के लिए Android डिवाइस पर निर्देश दिखाई देंगे। iOS डिवाइस पर स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित स्कैन आइकन पर क्लिक करें और स्कैनर के फ्रेम के भीतर Android डिवाइस द्वारा दिखाए गए QR कोड को लाइन करें। स्क्रीन पर निर्देशों का पालन करें और डिवाइस की सेटिंग पर जाएं। वाईफाई चुनें और Android की स्क्रीन पर सूचीबद्ध नेटवर्क से कनेक्ट करें। कनेक्शन पासवर्ड को क्लिपबोर्ड पर स्वचालित रूप से कॉपी किया जाना चाहिए। यदि नहीं तो आप इसे Android की स्क्रीन पर नेटवर्क नाम के नीचे सूचीबद्ध में पा सकते हैं। एक बार जब आप सही नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो जापिया को खोलें और आप स्वचालित रूप से Android डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप किसी भी आकार और किसी भी प्रारूप के दो उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं।